बरतिया वो छठी के बरतिया, का चाही बांस के बहंगिया, बहंगी लचे कते जाए, का चाही बांस के बहंगिया, बहंगी लचे कते जाए। अरे होई ना बलम जी कहरिया, होई ना बलम जी कहरिया, बहंगी घाटे पहुँचा, बहंगी घाटे पहुँचा। छठ पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। वैसे तो गंगा के तीरे तीरे कहा जाता है कि छठ पर्व मनाया जाता है, लेकिन जमुना जी के तीरे तीरे हम यहाँ पर मनाने वाले हैं छठ पर्व, और आपको बताने वाले हैं कि दरअसल क्या मतलब है, क्या मायने हैं, क्यों हम छठ पर्व मनाते हैं। क्योंकि एक प्रदेश से शुरू हुआ था मालिनी जी, और अब धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान में इसकी रौनक दिखती है, पूरे विश्व में। जहाँ जहाँ कहीं भी बिहार का अंश है, हाँ, या पूर्वी उत्तर प्रदेश की संस्कृति का अंश है, वो सब जगह अब छठ एक, मुझे लगता है, सबसे बड़ी एक सांस्कृतिक चेतना बनकर उभरा है कि आस्था क्या नहीं कर सकती है। कि वास्तव में हम लोगों ने कुछ वर्षों में, विगत वर्षों में देखा है कि किस तरह से उद्देहरी लांग कर पूरे देश में और जहाँ जहाँ कहीं भी अपने उत्तर भारतीय हैं, बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ मनाते हैं। तू तो छठ घाटे चली हो पापा लेके बहंगिया, तू तो छठ घाटे चली हो पापा लेके बहंगिया, अरे कोई गंगा ता कोई पोखरा नहाला, कोई त गंगा अरे कोई पोखरा नहाला, चाहे पड़े जाला अरे चाहे पड़े पाला, चाहे पड़े जाड़ा चाहे पड़े पाला, सबके घर मारे छठ के बरतिया, छठ के छठ घाटे चली गा पापा लेके बहंगिया, तू तो छठ घाटे चली गा पापा लेके बहंगिया, पापा लेके बहंगिया, पापा लेके बहंगिया, पापा लेके बहंगिया, पापा लेके बहंगिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये एक ऐसा पर्व है जिसकी शुरुआत हो जाती है दीपावली के 3 दिनों के बाद, और उसके बाद आप संपूर्ण स्वच्छता और पवित्रता के साथ इसकी शुरुआत करते हैं माली जी। तो क्यों करते हैं छठ पर्व, ये भी लोगों को जानना होगा। दिवाली से चौथे दिन, हाँ, जो चतुर्थी हुई, चतुर्थी के दिन सफाई करना पूरे घर का, और एक तरह से शुद्धि पे बहुत ज़्यादा बल दिया जाता है। दिवाली वैसे ही दरअसल एक कह लीजिए कि स्वच्छता का प्रतीक है, लोग घर को साफ रखते हैं, लेकिन तब भी छठ की दृष्टि से पूरे घर को साफ, लिपाई पुताई और साफ करने के बाद पंचमी षष्ठी से लेकर के सप्तमी की उदय तिथि को, सूर्य के उदित होते हुए सूर्य को प्रणाम करते हुए तब जाकर इस पर्व का समापन होता है। 33 करोड़ देवी देवता हमारे यहाँ माने गए हैं, लेकिन साक्षात तो प्रत्यक्ष जो दिखते हैं उनकी आराधना है, उनकी कहीं ना कहीं उनको प्रणाम करने का पर्व है। और इसीलिए जब शुरुआत हुई तो भले ही गंगा नदी में क्या, लोग अपने गांव में जो तालाब है उसी में सूर्य को अर्घ देकर सूर्य की आराधना करते हैं, हम यहाँ पर जमुना जी में हैं, यहाँ पर भी तो बहुत लंबी परंपरा रही है, और इसीलिए जो छठ के गीत में भले ही गंगा जी का वर्णन रहता है, लेकिन जमुना जी से भी जुड़ा हुआ कोई बहुत सारे हैं। और बिल्कुल सही कहा, गंगा मुझे लगता है इसलिए क्योंकि बिहार से मूलतः पर्व का एक ये उल्लास, पूर्वी उत्तर प्रदेश, और वहाँ पर गंगा तो एक तरह से कह लें कि गंगा जमनी पट्टी ही कही जाती है वहाँ पर गंगा, तो ये माना गया। लेकिन समय बदलते बदलते मुझे लगता है चूँकि आस्था श्रद्धा जहाँ पर जो है वो उस जल को ही साक्षात गंगा मान करके आराधना करे। चूँकि हम लोग यहाँ पर जमुना जी पे हैं तो एक जमुना जी का ही छठ का गीत आपको सुनाती हूँ। हाँ
गुइया हो, गुइया जानती है ना, सहेली यानी कि श्वेता। सुन गुइया हो, सुन गुइया हो, सुन गुइया हो, चल चल जमुना कछार, चल चल जमुना कछार, हाय हाय, चल चल जमुना कछार, चल चल जमुना कछार, हो सुन गुइया हो, सुन गुइया हो, सुन गुइया हो, सुन गुइया हो, चल चल जमुना कछार, चल चल जमुना कछार, हाय हाय, चल चल जमुना कछार, चल चल जमुना कछार। तो ये तो कैसे पर्व मना रहे हैं, कैसे पर्व मनाते हैं, कैसे लोग आते हैं यहाँ पर, पूरा का पूरा परिवार आता है, परिवार एक साथ मनाता है छठ पर्व, और यही इसकी सुंदरता भी हो जाती है। लेकिन जैसा कि हमने कहा कि सूर्य की आराधना करते हैं, लेकिन क्यों हम छठ पर्व मनाते हैं? दरअसल दीपावली की जो अमावस्या है, पूरे 365 दिन में वो अमावस्या सबसे काली रात मानी गई, मतलब सबसे घनघोर अमावस्या उस दिन होती है, और उसी दिन सूर्य का आविर्भाव माना गया है। सहस्त्र सहस्त्र लक्ष करोड़ वर्ष अरब वर्ष पूर्व जब सूर्य का उदय हुआ होगा, तो माना गया कि दीपावली के ही दिन जन्म हुआ। और दीपावली के दिन जन्म होने के कारण ये छठी तिथि जो बच्चे की पड़ती है, जैसे हम शिशु का जन्म होता है तो बच्चे के हम छठी मनाते हैं, तो ये ललही छठ जिसको बोलते हैं, ये जो छठ है ये दरअसल सूर्य के जन्म की छठ है। तो ये जो प्रणाम कर रही हैं सूर्य को, उस समय वो ये कहती हैं कि भाई और तो कुछ दिखता नहीं, आदित्यमल तुम दिखते हो, तुम हो तो यहाँ पे प्रकृति है, वृक्ष हैं, जड़ चेतन सभी कुछ तुम्हारे कारण हैं। तो एक गीत आपको सुना रही हूँ जिसमें किसके लिए तुम छठ का व्रत करती हो और क्यों करती हो, तो जो नायिका है यानी स्त्री है या माँ है वो उत्तर दे रही है। केरवा के पात पे उगे लेन सूरज न तापे धूपे, कैली छठ के बरतिया हम तापे धूपे, कैली छठ के बरतिया हम तापे धूपे, केरवा के पात पे उगे लेन सूरज न तापे धूपे, कैली छठ के बरतिया हम तापे धूपे, कैली छठ के बरतिया हम तापे धूपे। पूरे पूरे गाने में प्रश्न है और प्रश्न का उत्तर है, यानी जिज्ञासा है और उसका समाज ही समाधान भी देता है। हम तोहरा से पूछ ली तेवाईर तेवाई तू किकरा लागी, हम तोहरा से पूछ ली तेवाईर तेवाई तू किकरा लागी, तू किकरा लागी, कैलू छठ के बरतिया तू किकरा लागी, कैलू छठ के बरतिया तू किकरा लागी, हमरा तबारन स्वामी ऐसन स्वामी हम उनका लागी, कैली छठ के बरतिया हम उनका लागी, कैली छठ के बरतिया हम उनका लागी। अरे हम तोहरा से पूछली हो, हम तोहरा से पूछली तेवाईर तेवाई तू किकरा लागी, हम तोहरा से पूछली तेवाईर तेवाई तू किकरा लागी, तू किकरा लागी, कैलू छठ के बरतिया तू किकरा लागी, कैलू छठ के बरतिया तू किकरा लागी, हमरा तबारन गजाधर ऐसन पूत हम उनका लागी, हमरा तबारन गजाधर ऐसन पूत हम उनका लागी, हम उनका लागी, कैली छठ के बरतिया हम उनका लागी, कैली छठ के बरतिया हम उनका लागी, कैली आदित्यमल के पूजवा हम उनका लागी, कैली सूरज के पूजवा हम उनका लागी।
ईद सुंदर और लगता है मालिनी जी, क्योंकि परंपरा के हिसाब से कई बार ये सिखाया जाता है कि छठ पर्व के दौरान ही आप इस गीत को गाते हैं। जी, इतनी जी। पवित्रता है कि आप उसी समय में गाते हैं इसको। और उसका दूसरा भी एक पहलू है कि इन गीतों को साल में किसी भी समय और समय आप गाएंगे तो छठ का परिदृश्य ही सामने आ जाएगा। तो इन गानों में ये जो धुने बनाई हमारे पुरखों ने, वो एक ऐसा एक उनमें एक ट्राइड एंड टेस्टेड कहिए, इतनी वो समय की कसौटी पे कसी हुई धुने हैं कि उनको जब आप गाएं, तो उसका थोड़ा सा टुकड़ा हमने बस सुना था हम उसको। जी, जी, जी बिल्कुल जी। काचही बांस के बहंगिया बहंगी लचिकती जाए, काचही बांस के बहंगिया बहंगी लचिकती जाए, होई ना बलम जी कहरिया होई ना बलम जी कहरिया बहंगी घाट पहुँचाए। और ये गीत श्वेता सभी गाते हुए जाते हैं, किसी को कोई गीत पता हो ना पता हो ये गीत और समूह में गाते हैं। और इन गीतों को जानने के लिए संगीत सीखना जरूरी नहीं, आस्था होनी जरूरी है। पुरखों से यही गाने सभी को पता है, हम लोग भी मंच पे गाते हैं, सब इसमें शामिल होते हैं। इतना सुंदर नज़ारा होता है जब हजारों आवाजें एक साथ इसी गीत में शामिल होती हैं। अरे बाट जे पूछेला रे बटोहिया बाट जे पूछेला रे बटोहिया बहंगी केकरा के जाई रे बहंगी केकरा के जाई। अरे तू तो हवा अंधरा बटोहिया तू तो हवा अरे अंधरा बटोहिया बहंगी छठी माई के जाई छठी के बरतिया हो छठी के बरतिया